जोहार इन शोभा हांसदा आप जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेंग अतंग दरा में पिया गाती को निय सितुम दिन दा रिया तिनक जरूर पड़ा कना उना अब जोतो गिबुन बड़ाए गया गाती को आर नुआ सितुम दिन रे दा दो नुंका हंजी दो कना कुई खोन से गडिया खोन से गड़ा को जोतो गी हंजी दो कना गाती को नुआ समस्या रिया समाधान सरकार से खोन मिचेन अमृत सरोवर योजना होते ते है कना गाती को अमृत सरोवर योजना दो मिटन सरकार पुंथा कना उका होते ते 50,000 गोटे गडिया बिनावरिया पुंथा कना और गाती को नुआ गडिया को होते ते अबुरेन चसा बुहा को दो जेमन उनको चसा बसा रे जहां मुश्किल बाको अटकार से उना गडिया दा रे हाकू होको असुल दाड़ी वाको और जेमन उनाते उनको 65% को कमाओ दाड़िया गाती को नीतो बुन चला आ सारवारे उना दो देवघर रे कना ओंडे अमृत सरोवर योजना होते ते ओंडे रेन चसा बुईहा कु चे लिका लाभ कु हताव कदा उना बुन चला आ अर बुन नेला। आजादी के अमृत महोत्सव में कई संकल्प लिए गए हैं जिसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है जल संरक्षण। जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हर जिले में मनरेगा राज्य वित्त और 15वें वित्त से 75 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार अब प्रत्येक गांव में एक एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम देवघर जिला के सारवा प्रखंड में हैं और हम यहाँ पर बातचीत करेंगे ऐसी लोगों से जो कि पानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि कई बार जो है संथाल क्षेत्र जो है वो बारिश नहीं होने की वजह से काफ़ी सूखा जैसा स्थिति हो जाता उत्पन्न हो जाता है और लोगों को खेती किसानी हो चाहे बतख पालन हो या मछली पालन हो उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सरकार की जो योजना है अमृत सरोवर योजना, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण भाई हैं उनको काफ़ी लाभ मिल पा रहा है, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से अमृत सरोवर योजना के बन जाने से लोगों को मछली पालन बतख पालन या फिर अन्य कामों में किस प्रकार से सुविधा मिल रही है, आइए देखते हैं। पटवन के लिए किए गए हैं, इसमें जो नीचे खेत है उसे पटवन होता है, उसके अलावे पशु के लिए पानी और ग्रामीणों के लिए नहाने धोने की व्यवस्था हुई है। तालाब नहीं था तो यहाँ पानी स्टोर नहीं होता था, काफ़ी पानी स्टोर नहीं होता था और पानी नहीं रहने के चलते यहाँ खेती कम होती थी और पशु पानी भी नहीं पी पाते थे गर्मी के दिन में और ग्रामीणों के नहाने धोने में भी असुविधा थी इससे, और मछली भी पालन होता है पहले नहीं होता था। इसमें हम लोग 10 किसान जुड़े हुए हैं गाँव से। इसमें कतला रोहू मृगल और विकेट। कितना पैसा कमा लेते हैं? सालाना 1-1.5 लाख रुपया हो जाता है। यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा, जैसे कि बरसात की पानी पहले स्टोर नहीं होता था, अब स्टोर हो जा रहा है, अगल बगल का जितना भी ढलान साइड का पानी आता है इसमें जमा होता है, दैनिक जीवन में आसानी हो गई, टाइम बचा तो रहा। पहले काफ़ी दूर में जाते थे लोग पानी लेने के लिए या जानवर को भी पानी पिलाने के लिए दूर जाते थे, अब नज़दीक हो गया है। नहाने धोने का सुविधा हुआ, लाभ हुआ, पशु पर जानवर पानी पीता है, खेती वगैरह इधर पानी जाता है खेत में, यही धान गेहूँ यही सब। ये तालाब एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में फैले होंगे, ये तालाब अमृत सरोवर के नाम से पहचाने जाएंगे। इससे भूगर्भ जल में उछाल के साथ पशु पक्षियों के लिए पेयजल संकट भी दूर होगा और श्रमिकों को गांव में ही रोजगार सुलभ होगा। पूरे भारत देश में भीषण गर्मी के समय समस्त क्षेत्रों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल की काफी ज्यादा भीषण समस्या हो जाती है और जल स्तर में काफी ज्यादा गिरावट हो जाती है,
जिसके कारण कि ग्रामीणों को जल की पर्याप्त भंडार न मिल पाने के कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये पहले इसमें इतनी गहराई थी नहीं। ये सरकार की जो स्कीम आई है उसके आधार पे इसमें गहराई किया गया, जिस कारण अभी इसमें कम से कम 15 फीट पानी खड़ा है। और इस पानी से यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी लाभ पहुँचा है। पहले ग्रामीण को मतलब स्नान करने या मवेशी को पानी पिलाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, पानी स्टोर कम होता था। अब जो है इसका बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया होने के कारण इसमें पानी काफ़ी ठहराव रहती है, और जिस कारण इसके बगल में देखिए आप खेत वगैरह आपको दिख रहा है, ये सारे खेत इस तालाब से पटवन किया जाता है, जो कि भारत सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिस अमृत सरोवर योजना, जिसका नाम है अमृत सरोवर योजना। इससे इस ग्रामीण को कहिए कि एक वरदान साबित हुआ है। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, ये हर गांव में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ होना चाहिए, और इससे लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। तालाब नहीं था तो पानी का जो लेयर था वो काफ़ी नीचे था, नीचे था, जिस कारण से मतलब ये तालाब बनने से जल स्रोत बढ़ा है लोगों का। अब ये चापाकल जो कि 100 फीट में पानी देता था, अब वो 80 फीट में दे रहा है। कुआँ जो कि 20 फीट में पहले पानी 30 फीट में दे रहा था, अब वो 25 फीट 22 फीट में पानी उपलब्ध हो जा रहा है। तो ये तालाब के इसके कारण ही जो है पानी का लेवल बढ़ा है। गांव के लोगों का जीवन आसान हुआ है। पहले मतलब इस तालाब से लोग इसमें मछली वगैरह पाल रहे हैं, जिससे इनके इनकम का सोर्स बढ़ा है। लोग यहां से मछली निकाल करके बाजार में बेचते हैं, तो पहले से कुछ तो सुधार आया है इसमें। इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे कि इन जिलों में जल की समस्या दूर हो सके और जल स्तर में वृद्धि हो सकेगी। इस नव निर्मित जल का उपयोग कृषि कार्यों, पशुपालन आदि जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए होगा। भारत में जल की समस्या को दूर करने में काफी हद तक ये योजना सफल हो सकेगी। इसी योजना के तहत आज देवघर के सारवा प्रखंड के ग्रामीणों को काफी लाभ भी मिल रहा है। इतनी गर्मी में देखिए सारा जितने कुएं तालाब हैं सारे सूखते जा रहे हैं, और ये अमृत सरोवर है देखिए अभी भी इसमें पानी का लेयर कितना ज़्यादा है, अभी भी इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इसे देखिए बगल में जितना खेत है, सारे खेत में भी जो दूध फसल लगा हुआ है सारे में पटवन इसी से किया जाता है। अभी इसमें मछली भी जो डाला गया है, इसमें अनुमान किया जा रहा है कि अगले 2 से 3 साल में यहाँ पे लगभग 7 से 8 केजी का एक एक पीस जो मछली होगा उसका साइज़ हो जाएगा। एक इसका रोज़गार का भी इसमें एक जरिया निकल गया है, खेती से हो रही है। अभी मवेशी जानवर जो भी हैं उनको पीने के लिए पानी का सुविधा मिल जा रहा है, बच्चे लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, नहाने का भी इनको सुविधा मिल गया। तो ये इतने सारे एक तालाब से इनको फ़ायदा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हो रहा है ग्रामीणों को। सारे तो ग्रामीण ही इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हो रहा कि ये भरे जून में जो यहाँ पे पानी की कमी यहाँ पे हो गई है, सारे लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं, इसी से पटवन कर रहे हैं। जहाँ तक ये अमृत सरोवर तालाब की बात है, ये जब से बना है और तब से जो है बगल के हमारे जो कुछ किसान हैं दिलीप पत्रलेख और राजेंद्र पत्रलेख, उनसे मेरी जो बातचीत हुई, बातचीत के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि सर इससे हमें सिंचाई के रूप में एक सालों भर खेती करने के लिए इससे हमें पानी मिल जा रहा है। अभी उनके द्वारा लगभग दोनों किसानों को मिला कर देखा जाए तो 25 एकड़ के आसपास बागवानी हुई है, और उनको यहाँ से पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो पा रही है सिंचाई के लिए। जीवन के लिए जल जरूरी है, इसलिए अमृत सरोवर योजना के तहत गांव-गांव तालाबों का निर्माण किया जा रहा है, जहां बरसात का पानी संरक्षित हो सके। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार से अपील की जा रही है कि अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं, ताकि बरसात का पानी नालियों की बजाय जमीन में पहुंचे। इससे जहां जल स्तर बढ़ेगा वहीं गांव में पेयजल की समस्या दूर होगी। तालाब निर्माण के साथ इनके सौंदर्यकरण पर भी ध्यान रखा गया है, जिसके लिए तालाबों के किनारे बनेंगे सुंदर घाट बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। अमृत सरोवर तो अभी माननीय प्रधानमंत्री के जो लॉन्ग टर्म का विजन है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, परंतु झारखंड राज्य इन चीज़ों के लिए सदियों से जाना जाता है। हम जानते हैं कि हमारे राज्य का जो 30% एरिया है वो फॉरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एफॉरेस्टेशन, जिसकी बात करते हैं कि पेड़ों से मिट्टी का जो ऊपर का सतह रहता है वो हवाओं से नहीं उड़ता है, पानी को रोकने में या बारिश करने में समर्थ हो पाता है उस क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है ये झारखंड का स्ट्रेंथ है।
अब माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम लोग वाटर स्कैर्ड पूरे कंट्री की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ पर पानी की कमी है, और आने वाले समय में जब हम लोग परिकल्पना करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। तो उसको देखते हुए, लॉन्ग टर्म विज़न को देखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने एक अमृत सरोवर जो पूरे देशव्यापी इसका एक आंदोलन के रूप में स्टार्ट कराया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री का ये मानना था कि हम कन्वर्जेंस के थ्रू, उसके लिए अलग से फंडिंग नहीं रहेगा, कन्वर्जेंस के थ्रू 1 एकड़ से बड़ा या 10,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा जो वॉल्यूम के सरोवर का निर्माण करें। 3 मीटर से अधिक गहराई के इन तालाबों के किनारे पिलर लगाकर तार की फेसिंग की जाएगी, सीढ़ी एवं रैंप का निर्माण होगा। प्राकृतिक रूप से पानी के आने और निकास के लिए इनलेट और आउटलेट का प्रबंध होगा। अमृत सरोवर मिशन के तहत बने ये तालाब बहुउद्देशीय हैं, यानी इसमें कई मकसद हैं। ये तालाब वर्षा जल संरक्षण और भू जल स्तर को ठीक रखने में मददगार होंगे ही, साथ ही इनको सिंचाई और मछली पालन के काम में भी लिया जाएगा। तालाबों की समृद्ध परंपरा को भी संरक्षित किया जा सकेगा। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इस नई पहल से वो मकसद में कामयाब होगी। प्रतीकात्मक, जैसे हम बोलते हैं मानसरोवर, उसी तरह उसको प्रतीकात्मक एक सिंबॉलिक दिया गया, जिससे हम पायस पवित्रता या रिलीजियस सेंटिमेंट जोड़े और हम प्रयास करें कि जो इन तालाबों का निर्माण करें 1 एकड़ से ज़्यादा, जिसमें कम से कम 10,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा घनत्व का पानी रहे, तो उसमें एक रिलीजियस और पायसनेस का जोड़ा गया, ताकि हम जब इस तरह का तालाब निर्माण करें तो उसका तालाब को निर्माण करें अच्छे से, आसपास के क्षेत्र का विकास करें, और फिर उस जगह पे पास में हम लोग झंडोत्तोलन की व्यवस्था करें, और वो जो झंडोत्तोलन होगा उसके लिए एक यूज़र ग्रुप क्रिएट करें, और झंडोत्तोलन 26 जनवरी और 15 अगस्त को वहाँ पे किया जाएगा। वो वहीं का लोकल या तो स्वतंत्रता सेनानी हो, या कोई मार्टियर हो, या गाँव का ही कोई बुजुर्ग हो, या कोई जनप्रतिनिधि हो, उनके माध्यम से एक प्रतीकात्मक क्रिएट करने का कोशिश किया गया, जिससे लोगों को लगे कि ये तालाब उनका है, उनके समूह का है, उनके समाज का है, और फिर वो तालाब जो है एक वाटर कंजर्वेशन का सोर्स का काम करे, जिससे कि थ्रू आउट ये, जैसे झारखंड की हम बात करें तो झारखंड एक प्लेट्यू वाला राज्य है, जब भी बारिश होता है यहाँ पर काफ़ी 1,000 से ज़्यादा mm का बारिश हर साल हमें मिलता है, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद वो सारे पानी बे ऑफ बंगाल की तरफ, चूँकि प्लेट्यू हाइट पर है, वो सारा पानी बह के निकल जाता है, और हम लोग हमेशा से ये करते हैं इसके कंजर्वेशन का। ये एक अच्छा प्रयास है, इस इतने बड़े तालाब बनने से हो सकता है कि उस गांव में या उस क्षेत्र में बारिश के काफ़ी समय बाद तक पानी की उपलब्धता रहेगी, जिससे आम लोग मछली पालन या पशुपालन या फिर खेती में उनको सहयोग मिलेगा। तो एक बहुत दूरगामी सोच लेकर प्रधानमंत्री का एक सराहनीय स्टेप है, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। गतिकु नितोबुन यलकिदा देवघर या सारवारे जे चेलिका ओंडे अमृत सरोवर योजना होते ते एमा ढेर गडियो को ला चूकना, और उना गडियो होते ते गतिकु दार या संरक्षण हुयुक कना, और ओंडे रन चसा बुहा कुदो मौज ते कु चसा बसा दाड़िया कना। आर दिला तोबे नितो दुमका जिला तिबुन चला आ उकारे वन विभाग से खोन ऐमा लिकाना कार्यक्रम होते ते दारी कु रोहोय कना। गाती कु उका ओत ऐसे गी तहे कना, प्रति ओत तहे कना, उकारे चीहो बाकु रोहोय कान थाय होर उना ओत रे दारी रोहोय कना। गाती कु अबु जोतो होर बुन बड़ाया जे मिटेन दारी रिया तीनो महत्व मेना आ, उना दारी होते ते अबुआ वातावरण संतुलित तहेन कना। गाती कु उना ये ते दुमका जिला रे अडी ते गी गुट्टागी हरियरगी नेलोग कना। दिला तोबे वाबुन नेला जो चेलिका दुमका जिला दो हरियर कना। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास की योजनाओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। आज हम वन विभाग दुमका द्वारा संचालित कार्यक्रमों के बारे में बातचीत करेंगे। वन विभाग पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे रही है, इनके विभिन्न कार्यक्रमों का ही प्रयास है कि आज दुमका वन क्षेत्र हरा भरा नज़र आता है। तो दर्शकों, मिलते हैं यहाँ के लोगों से और वन अधिकारियों से, और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए दर्शकों, मिलते हैं यहाँ के लोगों से। देखिए, वन विभाग के अंदर जितना प्रायः जो भी अस्थायी पौधशाला होता है तो ये 1 हेक्टेयर में निर्मित होता है। 1 हेक्टेयर में हर वित्तीय वर्ष में 1,00,000 पौधे उगाए जाते हैं, और हम लोग प्राथमिकता के तहत जो प्राकृतिक रूप से इधर पाए जाने वाले पौधे हैं उनको हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं, और हर साल विभागीय वन रोपण का उद्देश्य जो होता है
उसको पूरा करते हैं, साथ ही वन रोपण और ग्रीन कवरेज मतलब हरित क्षेत्र को बढ़ाने में और आम नागरिकों को भी जो पौधा उपलब्ध हो पाए सरकारी दर पर उसके लिए भी हम लोग यहाँ से पौधे उपलब्ध कराते हैं। इसके तहत सागवान, शीशम, करंज, नीम, आम, जामुन, कटहल और कुछ कुछ मतलब स्पेशल पौधे जैसे शिवलिंगी हो गए, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, इनका भी रिसर्च कर यहाँ तैयार किया जाता है और तैयार कर उनको पौधा बनने के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो यहाँ पर जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जिस सीजन में जो भी बीज हम लोगों को उपलब्ध होता है, हर बीज से पौधे तैयार करने के तरीके अलग अलग होते हैं। प्रायः जो कॉमन होता है उसको पहले हम लोग मदर बेड में डालते हैं बीज को, और बीज को डालने के उपरांत उसमें गोबर, खाद, बालू ये सारा मिक्स रहता है और उसको मतलब प्रक्रिया के तहत हम लोग कुछ समय के बाद जब वहाँ पौधा जन्म लेता है, सघन होता है मदर बेड में पौधे का संख्या, उसको फिर हम लोग धीरे धीरे जिन पौधों को ट्रांसपोर्ट करना है या भेजना है कहीं बाहर, उस उद्देश्य के पौधों को हम लोग मदर बेड से निकाल कर ट्यूब में प्रिकआउट करते हैं। उस पूरे प्रक्रिया को प्रिकआउट कहा जाता है। प्रिकआउट के लिए भी वही होता है कि बेड का निर्माण किया जाता है और बेड निर्माण करने के बाद मिट्टी, बालू, गोबर और खाद वगैरह और कीड़े से कीटाणु से बचाव हेतु कोबरा पाउडर और बहुत तरह का जो विटामिन्स होता है पौधों के लिए वो भी यहाँ पे उपलब्ध होता है, उसके तहत तैयार करवाते हैं और तैयार कराने के उपरांत उसमें मदर बेड से प्रिकआउट कर पौधों को डालते हैं ट्यूब्स में, और फिर उनका रेगुलर केयर किया जाता है, देखभाल किया जाता है, सुबह शाम पटवन किया जाता है और बीच बीच में मौसम जब अनुकूल होता है तो उस बीच में हम लोग पौधे को ग्रो करने के लिए मेराकुलिन एक विटामिन होता है उसका स्प्रे करते हैं, कीटाणु से बचाने के लिए रोगर एक ये स्प्रे होता है उसका स्प्रे करते हैं। मात्रा के अनुसार हर पौधों में अलग अलग उसका रिक्वायरमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको तैयार करते हैं। और तैयार करने के उपरांत यहाँ पर हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि जैसे ये नर्सरी बंदर जोड़ी में चल रहा है तो बंदर जोड़ी के आसपास के जो भी बस्ती के रहने वाले महिलाएं हैं, पुरुष हैं और जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको उनसे ही यहाँ पर कार्य लिया जाता है। और सालों भर चूँकि ये नर्सरी में पौधा तैयार करने का और भेजने का प्रक्रिया चलता रहता है। इस नर्सरी की खूबी है कि यहाँ पर प्लांटेशन के लिए हम लोग जो पौधा तैयार करते हैं सालों साल, वो प्लांटेशन के पौधा तैयार करने के उपरांत और भी यहाँ पर कार्य होते हैं जो हम लोग बीज वगैरह से तैयार करते पौधा को और वो पौधा हम लोग का प्लांटेशन में जाता है। तो सालों भर हम लोग प्लांटेशन का पौधा तैयार करने के बाद ट्यूब फिलिंग इस सीजन में जो बीज आते हैं उस सीजन को जो बीज आते हैं उस सीजन में हम लोग बीज को डाल के उसको तैयार करते हैं कि अगर पिछला प्लांटेशन के लिए फिर उसको फलदार के जो पाए जाते हैं फिर में उसको हम लोग तैयार करते हैं। नर्सरी में काम करके बहुत अनुभव फील होता है कि बहुत अच्छा से हम काम कर सकते हैं और इसमें पौधा को हम लोग तैयार करने में हमको खुशी होती है और किस कौन सा पौधा कितना टाइम उगना चाहिए और इसके बाद जो होता है कि कौन पौधा को कितना पानी की ज़रूरत है, कितना खाद के वगैरह ज़रूरत है, ये सब अनुभव इतना हो गया कि हमको सब पता है कि मतलब कोई पौधा अगर क्या चीज़ से मर रहा है तो उसके लिए हम मतलब जान जाते हैं कि पौधा को क्या ज़रूरत है। ये नर्सरी के बारे में बताते हैं कि आसपास के लोगों को, क्योंकि नर्सरी में काम करके एक बार देखिए इसके बाद नर्सरी का महत्वपूर्ण पता चलेगा, नर्सरी में कैसा काम करने से फील होता है। और यहाँ के काफ़ी गांव के भी हम लोग लेडीज से जेंट्स से सब मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वही पौधा लगाते हैं, पौधा करते हैं। तो किस किस तरह का पौधा लगाते हैं? काजू का, सागवान का, शीशु का, कदम का, सबका। पहले मिट्टी करते हैं, मिट्टी लाते हैं पहले बेड पर, उसके बाद फिर हम लोग गोबर देते हैं, खाद देते हैं, उसके बाद ट्यूब भरते हैं उसको, ट्यूब भर के उसके बाद पौधा लगाते हैं। तीन टाइम पानी देना पड़ता है पौधा में। इसके बाद यही जो दीदी बोली, काजू का हुआ, सागवान का हुआ, शीशु का हुआ, गम्हेर का हुआ, खाद जैसे बेड है उसे 2 किलो 5 किलो किसी में जैसा बेड हुआ उसे डालते हैं, पानी भी उसी तरह देते हैं 3 टाइम। जी हम 5 साल से काम कर रहे हैं, नहीं करते थे, बहुत गरीब थे पहले। अब काम करते हैं तो अब ठीक चल रहा, घर द्वार भी, पैसा भी टाइम पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ वो पढ़ाते लिखाते बच्चों को, उसमें खर्चा, हस्बैंड तो काम का, वो तो घर अच्छा महसूस होता है, काम का घर में बैठे से कुछ नहीं होता है, यहाँ करते हैं तो बहुत फायदा है। पौधे का विकास बिल्कुल बच्चे की तरह होता है और मदर बेड में ही जब बीज को डाला जाता है उस समय से कंटिन्यूअस उसको मॉनिटर किया जाता है, कंटिन्यूअस उसमें लगातार देख रेख निगरानी बनाया जाता है कि उसमें किसी प्रकार का जर्म्स तो नहीं आ रहा है, और यदि जर्म्स आ रहा होता है या कुछ आया जाता है तो फिर मिट्टी का वहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पर हम लोग उपचार करते हैं। उसके उपरांत जब प्रिक आउट के लिए पौधों को निकालते हैं तो उस समय भी पौधे को काफ़ी संभाल कर निकाला जाता है, और ट्यूब्स में जब उनको हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए डालते हैं या फिर प्रिक आउट कर ट्यूब्स में डालते हैं तो उस समय भी काफ़ी सावधानी बरतते हुए जो यहाँ रेगुलर हमारा टीम है वर्क करने वाला वो अभ्यस्त हो गए हैं कि उनको किस प्रकार से डालना है। बहुत सारे बीज ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट भी ट्यूब में डालते हैं, जैसे काजू के बीज हो गए, करंज के बीज हो गए, ये सारे बीजों को हम लोग मदर बेड में ना भी डालें तो डायरेक्ट ट्यूब में भी डालें, और सही प्रक्रिया से यदि डालें तो डायरेक्ट ट्यूब में भी पौधा तैयार हो सकता है, लेकिन उसको काफ़ी सावधानी बरता जाता है कि किसी भी प्रकार यदि बीज को किस पोजीशन में डालना है, बीज का मुंह किधर है, और उसको मतलब बीच बीच में रेगुलर उसका निगरानी रखना पड़ता है। कहीं भी लग रहा होता है कि कोई पौधा यदि डैमेज हो रहा है तो उसको स्पेशल पहले निकाल करके देखा जाता है कि कहीं जड़ में कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आसपास का मिट्टी हटाकर उसको चेक किया जाता है। यदि किसी चीज़ की कमी से ऐसा हो रहा है तो उसमें यदि विटामिन की आवश्यकता है तो विटामिन का स्प्रे किया जाता है। समय समय पर ऐसे ही हम लोग उसका निगरानी बनाते हुए देखभाल करते हैं। हम लोगों का उद्देश्य रहता है विभागीय वनरोपण, आसपास के क्षेत्रों में वन विभाग का जितना भी वनरोपण का कार्य चल रहा होता है उनको उपलब्ध कराते हैं, साथ ही दुमका जिला में, पूरे दुमका जिला में और भी ज़रूरतमंद जो होते हैं खासकर बरसात के सीज़न में मानसून इन होने के बाद, जैसे वन महोत्सव का हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, और भी अनेक कार्यक्रम में आजकल तो सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ जितने निजी कार्यक्रम भी होते हैं उनमें भी बढ़ चढ़ के मतलब नागरिक हिस्सा ले रहे हैं कि पौधारोपण कर किसी कार्य को करें, तो उनको भी हम लोग काफ़ी सस्ते दर में सरकारी दर में पौधा उपलब्ध कराते हैं। गति को तीन कार्यक्रम रेबू नेल के दा जो चेलिका अमृत सरोवर योजना होते थे सारवार एन चसा बुहा दो लाभ को हताव दा, और उना साथे दुमका जिला बुनेल के दा जो चेलिका वन विभाग होते थे एम्मा ढेर दारी रहोया कना और उंडेना औत दो पुरगी हरियर चबाव कना, और उना साथे दिला नितो केंद्र सरकार रिया मिचन योजना बाबत ले पे उका दो गना पीएम आवास योजना उका होते ते गति को सरकार से खोन बीपीएल घारंज रेन होड़ दो गोड़ो को नामे कना जमन उनको हो अकुआ मिटन उड़ा रिया कुकमु को पुरो दारिया ओकोय दो उड़ा बनु तकुआ उनकान होड़ उड़ा को बिना रिया कुकमु को नेल दारिया कना गति को नुआ केंद्र सरकार या योजना होते ते गति को तिहना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।